karate class chal raha tha 26 अक्टूबर 1964 सोमवार दो पेज का मध्यांत बात चल रही थी इस समय जरूर तुमको याद करना है कि हम शिव बाबा की गोद में जाते हैं किस समय है किस समय की बात अरे तारीख बोल दी सब कुछ बोल दिया सब भूल गए है तारीख सुनते सुनते भूल गए अरे कब की मुरली है हाँ तो क्या बोला इस समय तुम्हें जरूर याद करना है कि हम शिव बाबा की गोद में जाते हैं वास्तव में है ये माता कौन है ये ब्रह्मा माता परंतु माता से कोई वर्षा नहीं मिलना होता है वर्षा फिर भी किससे मिलता है बाप से ऐसे क्यों बोला है अरे उस समय जो ब्रह्मा की मार्फत शिव बाबा की गोद में जाते थे उनको वर्षा नहीं मिलता था अरे बोलो भाई हैं फिर क्या मिलता था सिर्फ माँ का पार्ट मिलता था क्या पार्ट तो माँ के पार्ट से क्या मिलता था गोद का प्यार मिलता था गोद का प्यार मिलता था माता की गोद मिलती थी बाकी शिव बाबा का वर्षा क्या नहीं मिलता था शिव भगवान का वर्षा क्या है अभी क्या है उस समय की बात संगम युग में क्या मिलता है हैं? क्या अभी सुख और शांति मिल रही है तुमको अभी नरसिंह नारायण बन गए एक से एक बढ़ के ज्ञान मिलता है अभी बाबा की गोद में जाते हैं तो भले ब्रह्मा की गोद में गए तो भी कहते हैं त्वमेव माता तू ही मेरी माता है तो ब्रह्मा के रूप में माता है लेकिन वर्षा माता से नहीं मिलता अच्छा ज्ञान का वर्षा नहीं मिलता था उनसे ब्रह्मा के तन से आके कुछ सुनाते थे या नहीं सुनाते थे क्या सुनाते थे ज्ञान नहीं सुनाते थे अज्ञान सुनाते थे अरे ज्ञान सुनाते थे ज्ञान माने किस बात की जानकारी है परमपिता परमात्मा की जानकारी मिली उस समय अरे सन 64 में ब्रह्मा के तन में आके जो सुनाते थे उस सुनाने से परमपिता परमात्मा शिव की जानकारी जिससे वर्षा मिलना है उस वर्षा देने वाले की जानकारी मिली है नहीं मिली तो क्यों कहते हो कि ज्ञान का वर्षा मिलता था ज्ञान मिलता था ऐसे क्यों कहते अरे ज्ञान मिलता था कभी कहते हाँ मिलता था कभी कहते ना है हाँ सिर्फ है सुनने सुनाने का भक्ति मार्ग का वर्षा मिलता था
कान में जो पड़ गया सो सुन लिया। शिव बाबा याद है, दूसरा हाँ शिव बाबा याद है, मुरली में क्या बोला, शिव बाबा को याद करो, हाँ शिव बाबा को याद करेंगे। अब शिव बाबा कौन है ये कोई की बुद्धि में बैठा क्या, बैठा ब्रह्मा बाबा की बुद्धि में बैठा था। अच्छा ब्रह्मा बाबा को साक्षात्कार हुए यज्ञ के आदि में, उन्हीं को बुद्धि में नहीं बैठा कि शिव बाबा कौन है, क्यों शरीर छोड़ दिया। अच्छा शरीर छोड़ दिया किन्हों ने, ब्रह्मा बाबा ने, उससे पहले बैठ गया था बुद्धि में। अच्छा उनके अच्छा उन्होंने शरीर छोड़ा उसके बाद बुद्धि में बैठने का सवाल ही नहीं, अगर शरीर न छोड़ते तो शायद बुद्धि में बैठ जाता। अच्छा 68 के बाद 19 जनवरी 69 को अगर शरीर छोड़ते तो वर्षा मिल जा वो बुद्धि में बैठ जाता है? ये क्या बात हुई, अरे बोलो भाई, अरे नहीं बैठता क्यों, अरे उनकी बुद्धि में तो यज्ञ के आदि से ही नहीं बैठा था क्या, क्या नहीं बैठा था हैं? कि परमपिता परमात्मा शिव पहले पहले किसमें प्रवेश करके मुझे ज्ञान सुनाया है, ब्रह्म केतन में बैठ के ज्ञान सुनाया ब्रह्मा बाबा को है? अरे उनके साक्षात्कारों का अर्थ किसने सुनाया, तो वो पिता बुद्धि में बैठा, वो तो बैठा ही नहीं यज्ञ के आदि में भी नहीं बैठा। 18 जनवरी 69 को शरीर छोड़ा तब तक भी उनकी बुद्धि में नहीं बैठा कि ज्ञानदाता यज्ञ पिता कौन है, रुद्र ज्ञान यज्ञ की शुरुआत करने वाला कौन है। अरे रुद्र ज्ञान यज्ञ 36 से 37 से शुरू हुआ या नहीं हुआ, तो कोई तो निमित्त बना होगा, बना या नहीं बना, ज्ञान यज्ञ की शुरुआत करने वाला ज्ञान दाता यज्ञ पिता कोई तो था ना, लेकिन ब्रह्मा बाबा की बुद्धि में नहीं बैठ, तो ब्रह्मा कुमारियों की बुद्धि में बैठना उसका सवाल ही नहीं, क्यों नहीं बैठा, ब्रह्मा बाबा की बुद्धि में क्यों नहीं बैठा है? इसलिए नहीं बैठा कि ब्रह्मा बाबा तो बड़े साहूकार थे और जिसके द्वारा उनके भागीदार के द्वारा उनके साक्षात्कारों का अर्थ खुला, समझ मिली, समझ माने ज्ञान मिला, वो भागीदार गरीब आदमी था, उनकी बहुत छोटी सी एक दुकान थी हीरों की, उसमें कोई आता ही नहीं था क्योंकि सच्चे हीरे बेचता था, झूठे हीरों की दुकान के बीच ऐसा बाजार, सारे झूठे हीरे बेचते और वो सच्चा हीरा छोटी दुकान में बेचता, तो लोगों ने क्या समझा, ये भी झूठा ही होगा, तो ब्रह्मा बाबा ने भी उसको क्या कर दिया, निरादर कर दिया, पहचाना नहीं। न पहचानने के कारण क्या हुआ, क्यों नहीं पहचाना, बाबा तो सेठ थे और वो
उनकी ये दुकान में नौकर था मैनेजर तो अहंकार आ गया ये तो मेरा नौकर है ये कैसे मेरा बाप हो सकता है वो अहंकार आज भी उनकी औलाद में देखा जाता है या नहीं हैं वो अहंकार आज भी उनकी औलाद कौन ब्रह्मा कुमार कुमारी सुनने के लिए तैयार ही नहीं तो बोला वास्तव में है तो ये माता परंतु माता से कोई वर्षा नहीं मिलना होता है काहे का वर्षा ज्ञान का वर्षा वर्षा फिर भी बाप से मिलता है तो देखो कितनी गुह्य और युक्त बातें हैं क्या गुह्य बात हुई है और ब्रॉड ड्रामा में इसकी शूटिंग कैसे होती है है अरे वेद कहां से आए कहते हैं ब्रह्मा के मुख से वेद निकले तो वेदों का ज्ञान कोई की बुद्धि में आज बैठा है कोई वेदों को जानता है हैं वेदों के जो सूत्र हैं 49 तालमेल कोई भी नहीं बैठा पा रहा आज भी भक्ति मार्ग में तो इसकी शूटिंग कहां हुई संगम युग में शूटिंग हुई ब्रह्मा के मुख से जो वेदवाणी मुरलियां निकली उन मां मुरलियों का तालमेल किसी की बुद्धि में बैठा ही नहीं यहां तक कि बाप की पहचान भी बुद्धि में नहीं बैठी जब बाप की ही पहचान नहीं बुद्धि में बैठी तो बाप से क्या वर्षा मिलता है कैसे मिलता है कब मिलेगा इन बातों का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता तो बोला इस माता की मुखवंशावली जो हो ना इस माता की मुखवंशावली है ब्रह्मा की मुखवंशावली होना ज्ञान माता से आता है या परमपिता परमात्मा से आता है देखो कैसी अच्छी तरह से बात करते हैं बोलते हैं बच्चे ऐसे न हो मेरा बन करके और स्वर की बात सही लेने के लिए पुरुषार्थ करते करते कहां इस बॉक्सिंग में माया से युद्ध में हार नहीं जाना अर्थात भाग नहीं जाना ये ईश्वरीय बचपन भुलाना नहीं अगर भुलाएंगे तो रोना पड़ेगा कौन सा ईश्वरीय बचपन है कौन सा ईश्वरीय बच्चा बच्चा बुद्धिपना है? अरे अरे बीके में जो नॉलेज ली वो क्या था बच्चा बुद्धि बना था बचकानी जो वो बचकानी जैसे पढ़ाई पढ़ रहे थे गहराई का कुछ भी पता ही नहीं था भले गहराई का पता नहीं था लेकिन खुशी थी कि नहीं थी है बचपन की खुशियां याद आती हैं कि नहीं आती हैं लौकिक जीवन में भी याद आती हैं कि नहीं आती हैं तो अलौकिक जीवन में भी जो खुशी मिली थी उस समय बेसिक ज्ञान में आने से तो बहुत खुशी थी वो खुशी अभी याद आती है या नहीं आती है
है? या तो आती है, इसका मतलब अभी वो खुशी नहीं मिलती है, मिलती है। अरे बचपन में ज्यादा खुशी मिली थी, ज्यादा खुश थे, या अभी ज्यादा खुश है? हैं? कहते हैं अभी ज्यादा खुश है। बच्चा जब बड़ा हो जाता है ना, समझदार हो जाता है, भिखारी हो जाता है ना, बुद्धि ठनकने लगती है ना, तब ज्यादा खुशी हो जाती है। अभी ज्यादा खुशी? झूठ बोलते हैं? हैं? बाप मिले तो खुशी है, बचपन से ज्यादा खुशी है? बचपन से ज्यादा खुशी है? बचपन में विकार बुद्धि में नहीं आते थे, अभी बोलो तो हैं? अभी भी नहीं आते हैं? विकार की बात कोई बुद्धि में नहीं आती? झूठ बोले कौआ काटे हैं? क्या मुरली की तारीख? तो पिछले दिन में बीके में नहीं थे? अरे बिना बीके में चले, बिना कक्षा 1, 2, 3, 4 प्राइमरी नॉलेज पढ़े कोई बीए में पढ़ सकता है क्या? पढ़ सकता है? इसको तो अभी तक यही याद नहीं आया कि हम पूर्व जन्म में पहले बीके थे या नहीं थे। ज्ञान क्या कहता है? वो दीदी दादियां इतनी बुढ़ी हो गई, पढ़ते पढ़ते इतने साल से ज्ञान ले रही हैं, वो एडवांस ज्ञान नहीं समझ सकी, और तुम? तो फिर इससे क्या साबित होता है? हैं? पूर्व जन्म में चले थे, ब्राह्मण बने थे, ब्राह्मण बने का कुछ न कुछ वर्षा लिया था, ABCD तो पढ़े थे, IEEE पढ़े थे कि नहीं? वो तो पढ़े थे। तो उस समय ज्यादा खुशी थी या अब ज्यादा खुशी है? भगवान की सौगंध खा के कहना। अरे बोलो, हैं? उस समय ज्यादा खुशी थी क्योंकि उस समय देवता अपने की शूटिंग कर रहे थे। देवताएं बुद्धू होते हैं, जैसे बचपन में बुद्धू बना होता है, बच्चा बुद्धि होता है तो बुद्धू होता है या बाप की तरह होशियार होता है? तो उस समय भले बुद्धू थे, ज्ञान नहीं पहचानते थे, ज्ञान नहीं समझते थे, बाप की पहचान भी नहीं थी, लेकिन खुशी है? है, गीत गाते हैं लोग आज भी, बड़ा लुत्फ था जब कुंवारे थे हम तुम, गीत गा के वो कितने खुश होते हैं। अच्छा ऐसा क्यों हुआ? अब तो इतने ज्ञानी बन गए, बड़े बड़े लोगों को ज्ञान सुनाते हैं, बड़े बड़े ऑफिसर भी बुद्धि ज्ञान सुन करके उनकी बुद्धि चक्कर गिननी हो जाती है। कहते ये बातें तो सच्ची सुनाते हैं, यहां तक के वो बीके वाले भी क्या कहते हैं ज्ञान सुन के, ज्ञान सच्चा है या झूठा है? हैं? वो भी कहते हैं ज्ञान तो आपका बहुत उत्तम, बहुत सच्चा है। तो ये क्या कारण है कि उस समय खुशी ज्यादा थी, अब खुशी कम है? अरे जल्दी जल्दी जवाब दे दिया करो कोई। हाँ, उस समय सात्विक शूटिंग हो रही थी, सतो प्रधानता की सत्यु की शूटिंग हो रही थी। सत्यु की शूटिंग जैसी होती है वैसा ही सत्युग में जीवन बनता है। तो बोला बच्चे, अगर वो बचपन बुलाएंगे तो रोना पड़ेगा, ये बचपन कभी भी नहीं भूलना। अच्छा, ये बचपन उस समय की बात और इस समय की बात
मुरली इस समय सुन रहे हैं वास्तव में या उस समय सुनते थे हैं? भगवान ने जो मुरलियां बजाई वो मुरली मीठी मीठी तान अभी सुनते हैं या उस समय सुनते थे? अभी सुनते हैं भगवान की मुरली अभी सुनते हैं। तब शैतान की मुरली सुनते थे क्या है? अम्मा के द्वारा थी ना, अम्मा की तो लोरी और अच्छी लगती है, है? ये बचपन कभी भी भुलाए नहीं देना। अच्छा एडवांस में जब शुरू शुरू में आए थे तो एडवांस का बचपन नहीं था क्या? तब नहीं खुशी हुई थी है? तब भी तो खुशी हुई थी, इसलिए बोला कि ये बचपन कभी भी भुलाना नहीं देना। हम ईश्वरीय गोद की संतान है। कब? सन 64 में या अब? 64 में भी ईश्वरीय गोद की संतान थे लेकिन पहचान नहीं थी, और अब? अभी संतान भी है और ये पहचान भी है कि हम ईश्वरीय गोद की संतान है। ये मम्मा है परंतु इसका शरीर है पुरुष का। कौन? ब्रह्मा। इसलिए ब्रह्मा कुमारी सरस्वती जिसको फिर जगदम्बा कहा जाता है, वो जगदम्बा इनकी पालना करती है। किनकी? किनकी पालना करती है? अरे कन्याओं की सिर्फ पालना करती है, खास करके कन्याओं माताओं की संभाल कन्या माता ही कर सकती है, पुरुष उतनी संभाल नहीं कर सकते। 26-64 की वाणी का तीसरा पेज। ये कैसे पालना कर सके? कौन? ये उस समय की बात तो ब्रह्मा दादा लिख रहा है, और इस समय की बात तो प्रजापिता ब्रह्मा। ये कैसे पालना कर सके? तो कलश बरोबर पहले इनको मिलता है। इसको किसको मिलता है? बरोबर कलश पहले इसको मिलता है। किसको? कलश पहले इसको मिलता है क्योंकि पहले ये कान सुनते हैं। किसे के? वो उस समय की बात हुई, और इस समय पीछे फिर नंबर में है जगदम्बा। पहले इनके कान सुनते हैं, चाहे ब्रह्मा चाहे प्रजापिता ब्रह्मा, पीछे हैं? पीछे नंबर में है जगदम्बा जो इन सब की संभाल करती है। सब की माने किन की है? चाहे बेसिक के बच्चे हो, चाहे वो बड़े हो करके एडवांस के बच्चे बन जाते हैं, उनकी संभाल करने वाली कौन? जगदम्बा। तो ये गुप्त हुई। कौन? जगदम्बा। अरे 64 की वाणी में ध्यान दे तो ब्रह्मा बाबा गुप्त थे क्या है? तो ये जगदम्बा गुप्त कैसे हुई? कैसे गुप्त हुई? ऐसे गुप्त हुई कि वो तो दाढ़ी मूछ वाला पुरुष था, वो तो माता थी ही नहीं।
ये गुप्त ऐसे यही दाढ़ी मूछ वाली जब भविष्य में जाकर के कोई माता में प्रवेश करती है, कौन सी माता में प्रवेश करेगी? जगत पिता होगा तभी तो जगदम्बा होगी कि नहीं है? जगत पिता होगा तभी जगदम्बा होगी। जगदम्बा की तो पूजा होती है, विधवा की कोई पूजा होती है क्या? है जगदम्बा विधवा थी क्या? नहीं, उसकी तो पूजा होती है। पूजा तो सद्भावों की होती है, तो जगदम्बा भी पूज्य थी, अभी भी क्या है जगत पिता के साथ बच्चों के लिए क्या है? पूज्य ही है। लेकिन ये गुप्त बातें सबकी बुद्धि में बैठती नहीं, क्योंकि अभी भी जगदम्बा गुप्त है या प्रत्यक्ष है, घूंघट में है या घूंघट के बाहर है? घूंघट में। तो कितनी गुप्त बातें हैं। अच्छा, बाप कहते हैं बच्चे अब मैं आया हूं तुम सब बच्चों को वापस ले जाने के लिए, क्योंकि जबकि मैं संगम के ऊपर आया हुआ हूं तो वो संगम बहुत छोटा है। क्या कहा है? वो संगम बहुत छोटा है, है? अरे संगम युग बहुत छोटा नहीं है? सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग 1250-1250 वर्ष के, और ये ज्यादा में ज्यादा 100 वर्ष का। उसको कहा जाता है लीप युग। जैसे एक धर्माऊ मास होता है ना, क्या अक्षर होता है उसको पुरुषोत्तम मास कहते हैं। क्या कहते हैं? पुरुषोत्तम मास। भक्ति मार्ग में पुरुषोत्तम मास कहते हैं, और यहां क्या कहें? पुरुषोत्तम संगम युग। तो पुरुषोत्तम का पता है कि ऐसे ही कहते हैं? है? पता है? है कि पता नहीं है कि नहीं है? है पुरुषोत्तम है, तो घड़ी घड़ी संशय तो नहीं आता है कि पुरुषों में उत्तम है या भ्रष्ट है? दुनिया में जितने पुरुष हैं उनमें सबसे जास्ती भ्रष्ट ये आदमी है, ये तो नहीं बुद्धि में आता है? नहीं आता है। माया परीक्षा लेगी, अभी फाइनल परीक्षा आने वाली है। कितना टाइम हुआ एडवांस में आए? हैं? 5 साल। संशय बुद्धि आता ही नहीं, माया संशय बुद्धि बिल्कुल नहीं बनाती, अब थोड़ा बहुत बनाती है। तो उसको कहते हैं पुरुषोत्तम मास। कौन सा मास? पुरुषों में उत्तम बनने का मास। तो पुरुष दुनिया में कितने हैं? अरे पुरुष हैं या जानवर हैं? पुरुष ही तो हैं। पुरुष माने पूरी शरीर, पुरुष माने शरीर रूपी पुरी में आराम करने वाली आत्मा। तो कितने हैं दुनिया में पुरुष? 500-700 करोड़। उन 500 करोड़ मनुष्यों में उत्तम कौन है ये जान करके पुरुषोत्तम युग कहते हो कि बिना जाने कहते हो? जान करके कहते, अभी भी फिर बोल रहे कि हाँ जान लिया। कान क्यों खोजलाते हो? है जान लिया कि नहीं जान लिया? अरे अरे बोलो ना, धोखा लगा के बैठ गए।
जान लिया, कुछ सवाल जवाब तो नहीं आते हैं? आते हैं। और बाबा ने तो मुरली में बोला, जब बाप प्रत्यक्ष हो जाएगा तो बच्चे प्रश्न करना भूल जाएंगे, प्रश्नोत्तर करना बंद हो जाएगा। अभी तो प्रश्नोत्तर चल रहा है कि नहीं चल रहा है? तो संशय बुद्धि होते हैं कि नहीं होते हैं? हैं? कि हर बात सच्ची लगती है? हैं? जो से बोलो, जो बोल रहा है उसी को बोलने दो ना। अभी आधा जाना है, आधा बाप है और आधा पता नहीं मुसलमान है क्या। ये है पुरुषोत्तम युग, यानी उत्तम ते उत्तम पुरुष बनना। पुरुषोत्तम युग किसे कहते हैं? है पुरुषोत्तम युग माना उत्तम ते उत्तम पुरुष बनना। तो बन गया या नहीं बन गया? सब सन्न रह गए, एक भी नहीं बोलता। बन रहे हैं, दो चार बनेंगे। अरे कनिष्ठ है, मध्यम, उत्तम। कनिष्ठ तो बहुत होते हैं, मध्यम भी हो सकते हैं, लेकिन उत्तम, गुड, बेटर, बेस्ट, बेस्ट एक होता है या क्लास में सब बेस्ट होते हैं? तो उत्तम एक होगा या बोल रहे हैं उत्तम बन रहे हैं? है कहां से आ गया? ग्रामर नहीं पढ़ी है हिंदी में? पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है? हैं किसके लिए लगाया जाता है? हैं? हैं एक वचन के लिए या बहुवचन के लिए? हैं उत्तम, उत्तम शब्द के साथ हैं लगेगा। अरे उत्तम एक होता है या उत्तम बहुत होते हैं या दो होते हैं? दो भी नहीं होते, उत्तम तो सिर्फ है एक ही पुरुषोत्तम है दुनिया में। यहां तक के सतयुग में कोई नाम भी नहीं रख सकता अपना, नारायण। क्या? क्योंकि नारायण की विशेषता बताई है। क्या विशेषता? एक तो मुरलियों में ही विशेषता बताई, जो विशेषता औरों में नहीं होगी। वो विशेषता बताई है दुनिया के छोटे से छोटे साधारण से साधारण व्यक्ति के साथ मिक्स हो जाएगा, और दूसरा बड़े से बड़े दुनिया का जो मनुष्य होगा, बहुत सम्मान वाला, उसके साथ भी मिक्स हो जाएगा। एक तो मुरली में पहचान, और दूसरी बात बताई, जो नारायण का पार्ट है वो शास्त्रों में बताया, वो कभी भी युद्ध में हारता नहीं। क्या? भक्ति मार्ग में युद्ध हुए या नहीं हुए? है? अरे विदेशियों के साथ है, भक्ति मार्ग में युद्ध हुए कि नहीं हुए? तो कोई ऐसे हुए या नहीं हुए हिस्ट्री में जो कभी भी विदेशियों से हार नहीं खाई? नहीं हुए हैं? अरे हुए तो जिन्होंने कभी भी विदेशियों से हार नहीं खाई, चाहे विदेशियों की सेना 20 गुनी क्यों न हो, और उनकी सेना 1/20 गुनी, तो भी उन्होंने हार नहीं खाई। तो भक्ति मार्ग की ये शूटिंग संगम युग में होती हो या नहीं होती होगी? हैं? होती है।
वो चाहे संगम युग में माया का युद्ध हो और चाहे भक्ति मार्ग का स्थूल युद्ध हो, उन आत्माओं की यही पहचान है। किन आत्माओं की? जो पुरुषोत्तम बनने वाले लक्ष्मी नारायण है, उन युगल की ये पहचान है, वो कभी हार नहीं खाते। अभी पुरुषोत्तम माने उत्तम से उत्तम पुरुष कौन सा? अभी लगा हुआ है। अभी माने 64 में और अभी माने है? जब मुरली समझ में आए तब तो पूछा, अभी पुरुषोत्तम माने उत्तम ते उत्तम पुरुष कौन सा? पुरुष फिर ये है, और पुरुष है तो स्त्री भी चाहिए। क्यों है? काहे के लिए? यहां प्रवृत्ति मार्ग की बात नहीं हुई है, यहां तो हार जीत की बात है। अरे नारायण की क्या विशेषता बताई? कभी किसी युद्ध में हारा नहीं। और यहां बोला पुरुष है तो स्त्री भी चाहिए ना? क्यों? मान लो महाराणा प्रताप हुआ, अकबर जैसे सम्राट से हार मानी, कितने आक्रमण के ऊपर आक्रमण हुए, हार मानी नहीं मानी? पृथ्वीराज चौहान ही समझो, हार मानी नहीं मानी? शिवाजी हुआ, शिवाजी ने देर युद्ध लड़े, हार मानी क्या? तो पुरुष है तो स्त्री भी चाहिए ना? अरे अरे पुरुष युद्ध लड़ते हैं या स्त्रियां लड़ती हैं? है? पुरुष लड़ते हैं। युद्ध की बात में स्त्री क्यों लगा दी? हैं? हाँ, दुनिया के जितने भी काम होते हैं वो काम पवित्रता की पावर से होते हैं। अगर पवित्रता की पावर नहीं है तो कोई माई का लाल कितना भी बड़ा वीर क्यों न हो, वो जीत सकता है? है? नहीं जीत सकता। और वो पवित्रता की पावर दुनिया के, इस दुनिया के, द्वापर कलयुग की दुनिया के पुरुषों में होती है या स्त्रियों में होती है? कन्याओं माताओं में होती है, कन्याओं माताओं में होती है। वो कन्याओं माताओं के वाइब्रेशन पवित्रता के अगर किसी पुरुष को नहीं मिलते हैं तो वो पुरुष कभी भी युद्ध में जीत नहीं सकता। वो तो स्थूल युद्ध की बात हो गई, और यहां यहां कौन से युद्ध की बात है? हैं? यहां तो माया के विकारी युद्ध की बात है। तो जो विकारी युद्ध है उसके लिए स्त्री चाहिए या नहीं चाहिए, प्रवृत्ति मार्ग चाहिए या नहीं चाहिए? हैं? प्रवृत्ति मार्ग चाहिए। पुरुष है तो स्त्री भी चाहिए, इसलिए इसका नाम ही है पुरुषोत्तम युग। क्या? पुरुषों में उत्तम बनने वाला, बनाने वाला युग, चाहे स्त्री रूप हो चाहे पुरुष रूप हो, यानी नारा
और नारी दोनों ऊंचे ऊंच बने. नारियों में ऊंच कौन बनी हैं? लक्ष्मी देवी. देवियों में सबसे पहले पूजा किसकी होती है? अब्बल नंबर पूजा किसकी होती है नौ दुर्गाओं में? हैं? जगदम्बा की नहीं होती है. किसकी होती है? लक्ष्मी की होती है, पार्वती की होती है. तो देखो जो ऊंचते ऊंच बने वो किसके द्वारा ऊंच बने है? अरे जो ऊंचते ऊंच बने, अरे नर से नारायण बने ना, नारी से लक्ष्मी बने, तो किसके द्वारा? अपने आप बन गए क्या? अरे किसी ने पढ़ाई पढ़ाई या नहीं पढ़ाई? राजयोग की पढ़ाई पढ़ाई तो ऊंचते ऊंच बने. ऐसे तो कोई ऊंच बन नहीं सकता. तो बाप कहते हैं मेरे द्वारा ऊंचते ऊंच बनते हैं. ये कहने वाला कौन सी आत्मा है? शिव बाप. मनुष्यों का बाप नहीं, आत्माओं का बाप. आत्माओं का बाप शिव. ज्योति बिंदु, ज्योति बिंदु के द्वारा है? ज्योति बिंदु के द्वारा थोड़े ही कहेंगे. ज्योति बिंदु तो निमित्त बनता ही नहीं. निमित्त कहेंगे तो साकार चाहिए. और वो बच्चा बुद्धि ब्रह्मा कुमार कुमारियों ने चित्र क्या बना दिया शिव बाबा का? राजयोग सिखाने वाला कृष्ण या शिव बाबा? चित्र बना दिया. राजयोग सिखाने वाला कृष्ण या शिव बाबा? चलो कृष्ण तो गीता का भगवान है ही नहीं, ये तो झूठी बात है ही. लेकिन शिव बाबा जिसका चित्र दिया है, ज्योतिर्लिंगम और लिंग लाल लाइट के गोले के अंदर बिंदु, उसके द्वारा है? किसके द्वारा बने? लक्ष्मी नारायण है. हाँ जरूर, वो ज्योति बिंदु शिव है किसी लिंग के रूप में कार्य करने वाले के तन में प्रवेश किया. इसलिए सारे संसार में जो खुदाइयां हुई हैं उसमें लिंग मूर्तियां पाई गई हैं सबसे जास्ती, और देवताओं की मूर्तियां नहीं पाई गई. किसकी पाई गई? लिंग मूर्तियां. देवताओं की मूर्तियां इतनी तादाद में नहीं मिली हैं. वो लिंग मूर्तियां किसकी यादगार हैं? उस तनधारी की यादगार हैं जो याद में इतना गहरा रहता है, इतनी प्रैक्टिस करते करते उच्च कोटि की याद में पहुंचता है कि उसका नाम शिव के साथ जोड़ दिया जाता है. अब बताओ कौन सा देवता है जिसका नाम शिव के साथ जोड़ा जाता है? 33 करोड़ देवताओं में से कोई का नाम नहीं जोड़ा जाता. 500 करोड़ मनुष्यों में से कोई का नाम नहीं जोड़ा जाता. कोई धर्म पिता का नाम नहीं जोड़ा जाता. सिर्फ एक ही है देव देव महादेव, जिसका नाम शिव के साथ जोड़ा जाता है. शिव शंकर भोलेनाथ क्यों जोड़ा जाता है? हैं? इसलिए जोड़ा जाता है शिव बाप जब आते हैं तो उनका विरोध है कि मैं आता हूं तो जरूर कोई न कोई को आप समान बना के जाऊंगा. किस लिए आता हूं? आप समान 100% निर्विकारी बनाकर जाता हूं. 100% निर्विकारी बनाकर जाता हूं माना
शिव तो निर्विकारी बनता है 5000 साल के लिए निर्विकारी जिसमें प्रवेश करता है वो 5000 साल के लिए निर्विकारी है अंतर है फिर अरे 5000 साल में 100 साल कम 5000 साल तो वो साकार शरीर धारण ही नहीं करता ये करता है कौन शिव ज्योति बिंदु तो साकार शरीर में जब आएगा और ऐसा कर्म करके दिखाएगा तो कर्म के आधार पर एवर प्योर कहा जाएगा कि बिना कर्म किए एवर प्योर कर्म के आधार पर ही एवर प्योर कहा जाता है जो शास्त्रों में लिखा है अमोघ वीर्य वो अमोघ वीर्य शंकर के लिए कहा जाता है तो मेरे द्वारा ऊंचे ऊंचे बनते हैं ये किसने कहा शिव ज्योति बिंदु ने कहा लेकिन साथ में द्वारा भी लगा हुआ है मेरे द्वारा माने मैं किसी शरीर के द्वारा ऐसा पार्ट बजाता हूं जो पार्ट ऊंचे ऊंचे साबित कर देता है इसलिए मेरा भी श्री श्री है टाइटल क्या कहा भी क्यों लगाया मेरा भी किसका शिव का भी और साथ में जिसमें प्रवेश किया उसका भी श्री श्री टाइटल है श्री श्री माने देवताओं से भी श्रेष्ठ और मनुष्यों से भी श्रेष्ठ किससे श्री श्री डबल श्री एक मनुष्यों से श्रेष्ठ नरों में श्रेष्ठ और दूसरा देवताओं में भी श्रेष्ठ कौन देव देव महादेव श्रेष्ठ थे श्रेष्ठ तो श्रेष्ठ हुए देवताएं और उनसे भी श्रेष्ठ कौन शिव बाबा और शिव बाबा इस मनुष्य सृष्टि में सदा कायम है या परमधाम वासी रहता है, है? सदा कायम है माना 84 जन्मों में वो हीरो पार्टधारी साबित होता है जो हीरो पार्टधारी होता है वो रंगमंच पर हीरो बनकर के पार्ट बजाता है या गधे की तरह पार्ट बजाएगा है? हीरो की तरह ही पार्ट बजाएगा तो ऐसा मनुष्यों को बनाता हूं कैसा है कैसा बनाता हूं हीरो जैसा पार्ट बजाने वाला तो एक होता है या अनेक मनुष्य भी होते हैं हीरो पार्टधारी एक ही होता है अपने अपने धर्म में हीरो पार्टधारी नहीं होंगे हैं? नंबर वार अपने धर्म में नंबर वार होंगे हैं? मान लो अष्टदेव हैं, बीज रूप आत्माएं हैं, कोई किस धर्म का पूर्वज कोई किस धर्म का पूर्वज तो पूर्वज श्रेष्ठ होते हैं या नहीं होते हैं? पूर्वजों की पूजा करते हैं या नहीं करते हैं इसलिए करते हैं श्रेष्ठ होते हैं इसलिए करते हैं तो एक हीरो पार्टधारी या अनेक हीरो पार्टधारी बनाता हूं हैं? नंबर वार अनेक हीरो पार्टधारी बनाता हूं ऐसा मनुष्यों को बनाता हूं कौन कौन बनाता है ज्योति बिंदु शिव बाप
कोई शरीर के द्वारा पहले आत्मा को पहले किसको श्रेष्ठ बनाता हूं है पहले शरीर को श्रेष्ठ बनाता हूं कि आत्मा को श्रेष्ठ बनाता हूं आत्मा को श्रेष्ठ बनाता हूं क्यों शरीर को क्यों नहीं बनाते पहले श्रेष्ठ है क्योंकि शरीर तो जड़ तत्वों का बना हुआ है आत्मा तो चैतन्य है चैतन्य पहले ज्ञान धारण करेगा या जड़ शरीर ज्ञान धारण करेगा है ये शरीर पांच तत्वों रूपी प्रकृति से बना हुआ है प्रकृति जड़त्वमयी है प्रकृति माता तो है लेकिन जड़त्वमयी बुद्धि है जड़त्वमयी बुद्धि कैसे है अरे प्रकृति माता है तो चैतन्य भी है या जड़ ही है कोई चैतन्य पार्टधारी प्रकृति माता है या नहीं है पांच जड़ तत्व जब देवता है तो प्रकृति माता भी जिन पांच तत्वों का संघात कही जाती है वो भी चैतन्य जरूर होगी लेकिन ऐसी जड़ तुम्हें बुद्धि है कि वर्षों बाप के साथ रह करके संग का रंग लेकर के भी बाप को पहचानने में भूल कर देती पास हो जाती भूल कर देती है बाप को पहचान नहीं पाती इसलिए मुरली में बोला क्या बोला मेरे साथ रहने वाले बच्चे जो वर्षों मेरे साथ रहे हैं वर्षों जिन्होंने बाप के साथ मिलन मेला मनाया इतनी पावर भरी कितनी पावर माया इतनी पावरफुल नहीं है क्या जो माया सर्वशक्तिवान का टाइटल ले लेती है बाप से वो इतनी पावरफुल नहीं है क्यों है क्योंकि माया भी जब तक चैतन्य रहती है तो बाप से तंग आ जाती है युद्ध में बाप विजयी होता है और माया हार जाती है शरीर रहते रहते माया के तो माया तंग आ जाती है तंग आने से शरीर छोड़ देती है और शरीर छोड़ने के बाद माया किससे हाथ मिलाती प्रकृति से हाथ मिला लेती है तो बहुत पावरफुल मिल जा बन जाती प्रकृति को इतनी अकल तो है नहीं कि माया तो बड़ी चंट चालाक है तो उसके साथ हाथ मिला लेती है प्रकृति तो प्रकृति कौन है जगदम्बा तो बोला पहले आत्मा को श्रेष्ठ बनाता हूं जो आत्मा अभी पतित है उनको पावन बनाता हूं फिर जब पतित से पावन बनती है तो वो आकर के ऐसा पुरुष पुरुषोत्तम और पुरुषोत्तम नहीं बनते हैं कैसा ऐसा ऐसा करके इशारा क्यों करते थे बाबा है जब ऐसा कहते थे तो लक्ष्मी नारायण के चित्र की तरफ इशारा करते थे या लक्ष्मी नारायण के नीचे जो राधा कृष्ण है उनकी तरफ इशारा करते थे हैं? लक्ष्मी नारायण की तरफ इशारा करते क्यों राधा कृष्ण की तरफ क्यों नहीं हैं? क्योंकि लक्ष्मी नारायण तो ज्ञान के प्रकाश की दुनिया में रहने वाले हैं उनका नाम ही है नारायण अयन माने घर कैसा घर
नार माने जल, जिसका घर कहाँ है? ज्ञान जल में, यादगार नेपाल में आज भी बनी हुई है, चित्रों में भी दिखाते हैं, क्या पानी के अंदर सागर में बैठा हुआ है लक्ष्मी नारायण का स्वरूप, उनका घर ही जल में है। तो इनको पुरुषोत्तम और पुरुषोत्तमनी कहा जाता है। परंतु बच्चे, अभी ये जो तुम्हारा जीवन है, इनको बनाया है अपने आप नहीं बन गए, कोई ने बनाया है, नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी। कब बनाया? अरे हाँ, पुरुषोत्तम संगम कोई टाइम तो बताओ कब बनाया, कि 100 साल लगातार पुरुषोत्तम है 70 से अगर बनाया होता तो आपकी बुद्धि में संशय आता है? जो बोला है, जो देखे इन आंखों से और जो सुने इन कानों से, उसके मुख से क्या निकल पड़े? हमारा बेहद का बाप आया हुआ है, तो ऐसा निकल रहा है अभी है नहीं? तो इनको बाप ने बनाया है, शिव बाप ने, अपने आप नहीं बन गए, क्योंकि ये हैं विचित्र मात पिता, इनका अपना चित्रण है नहीं। तब कहां चले जाते हैं बीच में, ले लो रख दो बाद में। इनका अपना चित्र है नहीं, किनका अपना चित्र नहीं है, रख दो तो बहुत प्यार है, बड़ा प्यार है, इस प्यार की समार नहीं है। अभी नहीं, बाबा ने समझाया है कि ब्रह्मा विष्णु शंकर देवताओं का भी चित्र है। क्या है बाबा ने क्या समझाया? चित्र किनके बनते हैं? हैं? जिन्होंने कुछ चरित्र किया हो उनकी यादगार होती है। तो शिव बाबा ने एवर प्योर बनने का चरित्र नहीं किया? अरे किया कि नहीं किया? क्या चरित्र किया? अरे शिव बाबा ने एवर प्योर बनने का क्या चरित्र किया? शिव बाबा ने किया या शिव ज्योति बिंदु बाप ने किया है? शिव बाबा ने तो चरित्र किया। बाबा माने साकार, शिव माने निराकार ज्योति बिंदु, तो दोनों का मेल हुआ तो चरित्र किया। लेकिन जब मेल नहीं है या नहीं मेल हुआ था सन 36 से 37 से पहले, तो उस ज्योति बिंदु की यादगार है या नहीं है? है। तो उस ज्योति बिंदु ने पुदक पुदक के कोई चित्र चरित्र किया है? अरे इनको दिखाई पड़ा होगा किसी को, है कह रहे? अरे वो बूंदी फुदक फुदक के कोई चरित्र दिखाती थी या नहीं सन 36-37 से पहले? अरे 36-37 छोड़ दो, 76 से पहले कोई चरित्र दिखाती थी? कोई ने देखा है? माने 76 के बाद कोई ने समझा कि ये जो चरित्र है, ये चरित्र सिवाय शिव बाबा के और कोई बजाय नहीं सकता, और वो शिव बाबा साकार में निराकार का मेल है, अकेला ज्योति बिंदु नहीं है, ज्योति बिंदु कोई चरित्र नहीं बजाता। तो बाबा ने समझाया है कि ब्रह्मा विष्णु देवताओं का भी चित्र है, इनका चित्र नहीं है। किनका है? अरे शिव ज्योति बिंदु का
या शिवलिंग का कोई चित्र नहीं है। चित्र उसे कहा जाता है जिसमें नाक आंख कान मुंह हाथ पांव सारा शरीर दिखाया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? है चित्र। और ये क्या है? ये विचित्र है। इसलिए वो बोलता है मुझे प्रकृति का आधार लेना पड़ता है। क्या कहा है? काहे के लिए? चरित्र खेलने के लिए। कब आधार लिया? अरे चरित्र खेलने के लिए, एवर प्योर का चरित्र खेलने के लिए, दिखाने के लिए। कौन से तन का आधार लिया? आत्मा। प्रजापिता का आधार लिया। प्रजापिता अकेला चरित्र दिखाएगा एवर प्योर पाने का? अभी तो बताया पुरुष को स्त्री चाहिए कि नहीं चाहिए पवित्र पार्ट बजाने के लिए? है चाहिए। तो मुझे प्रकृति का आधार लेना पड़ता है। और प्रकृति कौन है ये भी अभी बता दिया। कौन? हाँ, तो जगदम्बा का आधार लेता हूँ। कौन? साकार या निराकार? साकार आधार लेता है। क्या करने के लिए? चरित्र दिखाने के लिए। क्या चरित्र दिखाने के लिए? केवर प्योर का पवित्र पार्ट क्या बजाया? यानी इनका जो पांच तत्वों का जो शरीर बना हुआ है, इनका मुझे आधार लेना पड़ता है। इनका माने दो का क्यों कहा, इसका क्यों नहीं कहा? अरे है, आधार एक का लिया या दो का लिया? इनका मुझे आधार लेना पड़ता है। जिनका आधार लेना पड़ता है वो दो है या एक है? दो। कौन कौन? राम वाली आत्मा और जो ज्योति बिंदु शिव है, बिना शरीर के आधार लिए चरित्र बजाती है? वो तो पहले ही बता दिया। यहां बात किसकी हो रही है? फिर सुनता हूं, सुनो दोबारा। बाबा ने समझाया है कि ब्रह्मा विष्णु शंकर देवताओं का भी चित्र है, लेकिन मेरा कोई चित्र नहीं है। इसलिए वो बोलता है। कौन बोलता है? शिव ज्योति बिंदु बोलता है मुझे प्रकृति का आधार लेना पड़ता है। क्या? एवर प्योर का पार्ट बजाने के लिए मुझे प्रकृति का आधार। और प्रकृति चैतन्य या जड़? कोई चैतन्य है जिसका आधार लेना पड़ता है, तो कौन हुआ? अरे क्षेत्र में किसका आधार लिया है? जगदम्बा का आधार लिया ना साकार शरीर ने। साकार जगदम्बा का आधार लिया या नहीं लिया? लिया। कहते रहते हैं कि बच्चे अभी देह सहित जो भी तुम्हारे संबंध हैं, क्या कहा? अपनी देह को भी भूल जाओ और देह के जो तुम्हारे संबंध हैं, चाहे पति है, चाहे पिता है, चाहे पुत्र है, मेरे से जब संबंध जोड़ते हो तो क्या करो? उन सब संबंधों को भूल जाओ। भूल जाओ नहीं, भूलते जाओ। क्या एकदम नहीं भूल पाएंगे? प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इसलिए उन सब संबंधों को भूलते जाओ, क्योंकि ये तुम्हारी देह पुरानी है ना।
कितनी पुरानी है? है? ये पतित देह 63 जन्म पुरानी है. 63 जन्मों से जन्म लेते लेते ये पतित चोला रिजल्ट में मिला. तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी? प्रैक्टिस करनी पड़ेगी पतित से पावन बनने की. इसलिए गीता में लिखा है अभ्यास है न तो कौनते है वैराग्येण च गृह्यते. अभ्यास करना पड़े. क्या क्या अभ्यास करना पड़े? है आत्मी की स्थिति बनाने का. क्या बैठ जाए ऐसे बैठ के योग लगाना ये कोई कर्म योग है? हैं? ये कोई कर्म योग नहीं. कर्मयोगी किसे कहा जाता है? कर्म इंद्रियों से कर्म भी करे और याद भी रहे. बीच बीच में याद टूटने वाली न हो. पक्की पक्की याद रहे तब कहेंगे कर्मयोगी. कर्मयोगी? कर्मयोगी माने है कर्म काय से करते? बालों से हैं? मूछों से? अरे कर्म काय से करते करते हैं? कर्म इंद्रियों से. कर्म इंद्रियों में मुख्य कर्म इंद्रियां कौन सी है जो कंट्रोल से बाहर ही हो जाती है? काम इंद्रिया. यही एनम पापमानम. ये बड़े से बड़ा पापी है. कौन? महाशत्रु है. क्या? काम महाशत्रु. ये काम महाशत्रु जो काम इंद्रिय के द्वारा महापाप कराता है, खूनखार कराए देता है, पता ही नहीं चलता खूनखार हो गया. न करने वाले को न सहन करने वाले को. ऐसा ये जो पापी है इसको तू जीत ले. कौन सी कर्म इंद्रियों को जीत? काम जीते जगत जीत. जिसने काम विकार को नहीं जीता वो जगत को नहीं जीत सकता. और जगत को जीतने वाले नंबरवार होंगे कि एक ही होगा? नंबरवार भी होंगे. 108 की माला बनी हुई है. जिन्होंने ये प्रैक्टिस की है. क्या क्या प्रैक्टिस है? काम विकार को काम इंद्रिय से जीतने की. लेकिन कायदे अनुसार या बेकायदे अनुसार? है कायदा क्या और बेकायदा क्या? है बहुत से ऐसे होते हैं चोरी चकारी कर लेते हैं, लंपट होते हैं ना. है अरे वैश्याएं और लंपट होते हैं कि नहीं? वो चोरी चकारी करते हैं या शादी करते हैं? है वो चोरी चकारी करते हैं. ऐसे चोरी चकारी करके कामेंद्रियों पर विजय नहीं होगी. क्या श्रीमत के बरखिलाफ कोई भी काम किया तो धर्मराज के भी दंडे खाएंगे. और यहां ब्राह्मणों की दुनिया में भी नीची नजर से देखे जाएंगे. क्यों? क्योंकि बाप ने कहा है कि सब ब्राह्मणों की दुनिया में चाहे बाहर की दुनिया में कोई की भी छुपी हुई नहीं रहेगी. सब का सब कुछ प्रत्यक्ष हो जाएगा. ओम शांति.